हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है शहजाद मिर्ज़ा और ये मेरा छोटा भाई है। मेरा नाम समान अहमद है। समान अहमद है। आप लोग बहुत कहते रहे हैं रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, लॉकडाउन लग गया है, करने के लिए कुछ था नहीं, ब्लॉग मैं बना नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लॉकडाउन लग गया है तो बाहर जाना अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। तो अभी सोचा है कि रिएक्शन बनाएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं रिएक्शन का। ये 2 महीने से मेरा भाई छोटा मेहनत कर रहा है, रिएक्शन वीडियो बना रहा है, तो इसकी मैंने हेल्प मांगी आज। इसको मैंने बोला है कि मेरी हेल्प करो रिएक्शन वीडियो बनाने में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बंदा करे ना, घर पे बैठा फारिग किसी काम का नहीं आदमी, तो इस वजह से रिएक्शन चलेगा। और रिएक्शन मैं किसी गाने पर या किसी मूवी के ऊपर मैं नहीं देने वाला, किसी ट्रेलर पर, वो इसका काम है ये करता रहता है ऐसे रिएक्शन। तो इसका चैनल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इधर ऊपर भी आपको सजेशन में आ रहा होगा। तो नाम बताओ अपने चैनल का। मेरे चैनल का नाम है एसटी रिएक्शंस एंड ब्लॉग्स। एसटी रिएक्शंस एंड ब्लॉग, तो इसका चैनल है जहाँ के आप अगर रिएक्शन के फैन है, पाकिस्तानी रिएक्शन आप देखना चाहते हैं नेपाली किसी वीडियो के ऊपर, तो इससे जाके आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट करें इसके चैनल पे वीडियो देख के ये दे देगा रिएक्शन। तो मैं जो रिएक्शन करने वाला हूँ अपने चैनल पे, वो एक सस्सी, नहीं क्या नाम था भाई का, सिसान बनिया। सिसान बनिया ब्लॉगर हैं बहुत बड़े नेपाल के, तो उनके चैनल पे मतलब कि उनकी वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, क्योंकि नेपाल मेरा घूमने के बहुत बहुत शौक है, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा घूमना फिरना। तो कोई बात नहीं, भाई हमारे ब्लॉगर हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं ब्लॉग की, और हम वही देख के इंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं, हेडफोन तो दे दे भाई। तो प्ले करते हैं वीडियो। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की आरों में दवा लेके चला था, और मुझको यकीन है कि मैं रहूंगा कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला था। ये वो समय आज इस मैदान पर है कि जहां पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बॉल की इंतजार कर रहे हैं इस वक्त। We are heading to Siddharth Rangasala, Bolli Nepal Kam Bolli Dekhi Sudhi. Bharat Cut Gandhra. 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 Bharat Cut Gandhra. Bharat Cut Gandhra. Bolli Dekhi Sudhi. Bharat Cut Gandhra. Bharat Cut Gandhra. Bolli Dekhi Sudhi. Bharat Cut Gandhra. All these cricketers out here, Malay, Julie, Jaili, Pini, Bacha, Arasang, Interaction, Gandhra, Ajja, Badi, Vanu, Ma, Excite, Mekini, Vanu, because this, they are untapped sources. So, उहाँहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा, फर देम जस्ट टु सी देम प्ले अन अ क्रिकेट ग्राउन्ड एन्ड सी हाउ इट गोज, अब बोल्यो नेपाल इनिसिएटिभले एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको छ अहिले, भनौँ न कि नेपालको प्रदेश 5 आएर हामीले 12 जिल्लाको सकेसम्म ट्यालेन्टेड खेलाडीहरू ल्याएर यहाँ ट्राई गेट देम टुगेदर। सो होप सी लोड क्रिकेट। हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ हामी आज भैरवा चाहिँ भैरवा क्रिकेट ग्राउन्ड हो, यहाँ चाहिँ एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्रिकेटको टुर्नामेन्ट भइरहेको छ, त्यसको डकुमेन्ट्रीको लागि आएको छौँ हामी। हाम्रो पछाडि समीर छ, उसले यहाँ सुट पनि गरिरहेको छ, एक्चुअली एकदम फर्स्ट डे सुट राम्ररी प्रपर। र अहिले हामी पारस दाई र सत्य दाई त्यहाँ हुनुहुन्छ, लेजेन्ड्स अफ द गेम, ज्ञानम दाई पनि हुनुहुन्छ उता है। यो प्रदेशभरिबाट सबै ठाउँबाट बच्चाहरू, यो कुरा नि तपाईँहरूलाई देखाउँ भनेर हामीले ब्लग गरिरहेको छौँ। अनि बाई द वे पारस दाई एकदम फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि चाहिँ अलि कुरा राम्ररी भन्नु पाएको थियो नि, तर एकदमै इजी होइन, एकदम मजा आउने, एकदम हि स्टार्ट्स द कन्भर्सेसन, अलिकति साइलेन्स भयो केटाहरूलाई बोर भयो भनेर, समीरसँग अनुरागसँग सबैसँग कुरा गर्दै गर्दै पछि याद आउँछ, ए पारस दाईसँग त हामी यहाँ गयो चिलो आउने भने भन्नु ग भन्नुहोस् न बस होइन, जाउँ मलाई खेल्छ।
वेलकम टू भैरमा। पब्लिकली खोल्न मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्ने। सो इट्स अ पेडा पेडा पौन पौन मिष्ठान पेडा। हजुरको रिभ्यु चाहिन्छ है मलाई। मलाई के रिभ्यु भाउ, म त पौनको पौनको पेडा भनेको त मलाई लाग्छ नेपालमा हरेक जो मान्छेले थाहा छ भैरवाको बारे सबैले यहाँको पेडा त खानु नै भएको छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो मेन त हाम्रो अम्बारसँग दिनु पऱ्यो। हामी पाकिस्तान गएको होइन, पाकिस्तान 2006 मुल्तान, त्यहाँबाट हामी एक दिनको लागि कराची कि लाहौरमा थियो कि रातको लागि। अनि सबजना सामान किन्छ भने पाकिस्तानमा सामान सस्तो पाउने भन्ने होइन, अनि गएँ हेर्नलाई। अनि हजार रुपियाँ जाने पाकिस्तानी, हजार रुपियाँ जाने ब्याट, 1500 जाने ब्याट। अनि पारस चाहिँ त्यो बेला पिटरसनको फ्यान क्या, अनि पिटरसनको फ्यान थियो होइन, अनि त्यो वुडवर्मले खेल्थ्यो क्या पारस। अरे त्यहाँ वुडवर्म ब्याट भेट्यो 2000 कि 2500 पाकिस्तानीमा वुडवर्म ब्याट भेट्यो। त्यो ब्याट अहिले सम्झिँदाखेरि होइन, त्यो काठै होइन क्या, त्यो भएर त्यो क्रिकेट खेल्ने त्यो अहिले अहिले बरु क्लब लेभल खेल्ने केटाहरूले त्योभन्दा राम्रो ब्याटले खेल्छ होला होइन। त्यो ब्याट फेरि यस्तो राम्रो भएको थियो होइन, खेल रन पनि बनायो अनि प्र्याक्टिसमा भाँचियो त्यो दिन बिहान मलाई याद छ क्या। अनि अब म्याचमा सबै राम्रो भइरहेको थियो अनि हामी ग्राउन्ड गइरहेको थियो ब्याट लिएर प्र्याक्टिस गर्न, अनि मलाई लागेको थियो मनमनै मलाई लागेको थियो, मैले भन्नु जस्तो लागिरहेको थियो ब्याट किन ल्याएको बरु म्याचको लागि राख भनेर भन्न लाग्थ्यो बसमा हुँदाखेरि। भनेन, गयो प्र्याक्टिस गऱ्यो खेल्यो ब्याटै दुई टुक्रा, टेन्सन छैन, अब अर्को ब्याट हो त्यो। अनि ज्ञानले कुन बेला राम्रो ब्याट दिन्छ अनि खेल्नु पऱ्यो भने एउटा ब्याटले अनि सबैजनाले खेल्ने त हो त्यो बेला। ग्लोभ्स त सुकेको ग्लोभ्स हुन्छ नि, कक्रक्क परेको हुन्छ नि होइन, त्यस्तो ग्लोभ्स के अब ग्लोभ्स अहिले पो थाहा भयो त। अब पहिला ग्लोभ्स अब हामीले अहिले किनभने 5-7 ग्लोभ्स क्यारी गर्छ होइन, पहिला त एउटा ग्लोभ्स कि दुइटा ग्लोभ्स, अनि त्यही ग्लोभ्सले वर्षभरि, अनि त्यसमाथि अनि ग्लोभ्स भएन भने अनि उसको मागेर ग्लोभ्स ग्लोभ्स मेन्टेन त्यो म्यानेज गर्यो। त्यो हिस्ट्री र अहिलेको कम्पेयर गर्यो भने त अहिले क्रिकेट नेपाली खेलाडीले कमाउने सुविधा त राम्रो छ होइन, त्यो पनि अलिकति टच अनि अहिले त स्पोन्सरै दिन्छ नि त, अहिले राम्रो छ त्यो लेभलमा पुग्यो होइन, राम्रो छ। अब अलिक कस्तो किन कबड्डी सिक्नु भनेर सबैले ए हो नाम नाम कबीर सिंह के अरे फेसबुकमा कबीर सिंह हो त्यस्तो फेरि त्यो दिएर रात दिउँसो र राति लाउने हो त्यो रातिवाला हो लाउ लाउ गुड बलिङ यहाँ थम्स अप राजा होइन मैले लुम्बिनी आएको थिएँ यहाँ टी टेन 11-12 ओभरको क्रिकेट भइरहेको छ भने थाहा पनि यहाँ आएँ र भनौँ न भाइहरूसँग खेल्ने मौका पाएँ। सुनेको त थिएँ कपिल वस्तुमा भनौँ न कि नाइट क्रिकेट हुन्छ भनेर, तर मेरो लागि चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट डे नाइट क्रिकेट खेलेको आजै हो। सो भेरी ह्याप्पी, एकदम खुसी लाग्यो सबै भाइहरूलाई हेरेर एन्ड लुम्बिनी चौर की रणनीति के साथ आज इस मैदान में उतरे हैं अपनी पूरी सेना के साथ। कांड तो हारा है यहाँ हो गए से शुरुआत, इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है और अगर यहाँ कमान गिरना बिके है तो फिर आने वाले बल्लेबाज के लिए होगा थोड़ा सा प्रेशर तमाम होगा। ये बॉल सही नहीं, ये थोड़ा सा टप्पा गिरा अंदर की तरफ आए लेकिन लगी स्टंप से बाहर गई थी बॉल। खाना बोलना बाकी अभी भी कोई जेडू का सामना नहीं किए अगली बॉल कहां पर डालेंगे ये लीजिए एक और छक्का, लीजिए एक और छक्का इस बल्लेबाज के नाम। और आज जब निगाहें एक बार फिर बॉल पर जम जाती हैं तो बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ जाता है।
क्या बढ़िया शॉट है। अब तक इस प्रतियोगिता की बात करेंगे एलपीएल सीजन 4 का, एकमात्र एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने दर्शकों के ऊपर राज करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं हीरो इस मैच के। यहाँ देखिए तूफान बताकर नहीं आता, लेकिन ये बताकर आते हैं ये है कि ताकत लगातार तीर छक्के हैट्रिक के चांस पर अच्छी लय में है ये खिलाड़ी। क्या बढ़िया शैली यहाँ पे, एक और छक्का यहाँ पर देखिए। त्यही हो अब हाम्रो डकुमेन्ट्री कति टाइममा होला हामीलाई केही पनि थाहा छैन, लाग्ला एक दुई महिना छ महिना जतिसक्यो लाग्यो नि। वी स्टार्टेड फ्रम बलियो नेपालको प्रोजेक्ट, तर पाइरस दाइसँग भेटेपछि क्रिकेट कल्चरलाई बुझिसकेपछि चाहिँ डेप्थमा खिचाखिचे म त्यो कुरा चाहिँ सबै कुरा पछि आउँछ। अहिलेको लागि म सिसन यहाँ विकी अनु को हो तिमी के अब तिम्रो नाम के हो अहिले? बलियो नेपाल। अनि विशाल द भाइरल फोटोग्राफर भाइ, हजुरको नाम पनि भनिदिनुहोस् त। कृष्ण थापा। कृष्ण थापा, सबैजनाको तर्फबाट बाई बाई। फैंटास्टिक ब्लॉग, फैंटास्टिक, मजा आ गया। मैं एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए इस बोर नहीं हुआ ये पूरी वीडियो देखते हुए, पता ही नहीं चला ये 12 मिनट की वीडियो थी कब गुजर गई। इतनी जबरदस्त मतलब तो शूट किया, असल में शूट नहीं होता उसके बाद एडिटिंग होती है जो कट करते हैं बीच में एक्स्ट्रा चीजें। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया हुआ है लड़के ने जी, लड़का नहीं है ये तो आदमी है। तो मज़ा आया मुझे तो देख के, कैसा लगा तुझे? मुझे बहुत मज़ा आया, एडिटिंग भी अच्छी थी बस, और सही परफेक्ट म्यूजिक डाला हुआ जी, बहुत दिलचस्प वीडियो। और क्रिकेट जो है नेपाल में ज़्यादा क्रेज नहीं था जब आया था नेपाल के अंदर, 2013 से लेके अब तक मैं नेपाल में हूँ तो तब से लेके मैं देख रहा हूँ इतना क्रेज नहीं था क्रिकेट का नेपाल के अंदर, लेकिन आस्ता आस्ता ये क्रेज बहुत बड़ा है। और तब ज़्यादा बढ़ गया जब यहाँ की टीम इंटरनेशनल खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई किया, जब T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया हुआ नेपाल ने, और इस टाइम मेरा ख्याल टॉप 12 में आती है ये टीम, ये टॉप 11 में ऐसे ही कुछ है, टॉप 15 के अंदर अंदर T20 टॉप 15 वर्ल्ड इंटरनेशनल टीम में नेपाली टीम इस टाइम है। तो अभी रिसेंटली मैं देख रहा था मैच नेदरलैंड को हराया है नेपाल की टीम ने, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था और बड़ा गंदा हराया, अच्छा नहीं फंस के मैच नहीं हुआ, बड़ा गंदे तरीके से हराया, कोई समझा ही नहीं उसको। तो क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ रहा है क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, हमें पता है क्रिकेट का, हम तो क्रेजी
शुरू से ही बचपन से ही लाला अफरीदी को देखते हुए बड़े हुए हैं। अभी वो तो रिटायर कर गया, लेकिन अभी छाए हुए हैं बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान क्लास की बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मैंने इस वजह से उनका नाम लिया, बाकी और भी हैं इनकी टीम में। मुझे ये स्पिनर बड़ा पसंद है इनका, क्या नाम है उसका, स्पिनर बॉलर का, इंडिया लीग में भी जाके खेला है, पता कौन है। हाँ जेन से निकल गया, अभी मेरे जेन में नाम था यार, जेन से नाम ही निकल गया। पारस खड़का? नहीं, पारस खड़का तो कैप्टन है, संदीप लामचन है। संदीप, संदीप लामचन है, बहुत क्लास का स्पिनर है, बॉलर, स्पिन बॉलर है। तो ये रिएक्शन था हमारा, फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ वीडियो, कोई मुझे आइडिया नहीं है, जो मेरे समझ लगी वो मैंने बोल दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपने रिएक्शन वाकई में देखने हैं, आप शौकीन हैं पाकिस्तानी कोई रिएक्शन दे नेपाली वीडियो के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो मेरे चैनल पर जाके देख लें, इसके चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ये वीडियो बनाता रहता है, इसको आप बोल भी सकते हैं इस चीज़ पे रिएक्शन दो, इस चीज़ पे दो। मैं आपके किसी मतलब के जो आप बोलेंगे ना उसके ऊपर किसी पे मैं रिएक्शन नहीं देने वाला, क्योंकि साफ साफ मना क्योंकि मुझे जो है ना रिएक्शन करना पसंद ही नहीं है, एक जगह पर बैठे रहो और बोलते रहो। मैं इसलिए कर रहा हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ है, काम नहीं है, बारिश हो रही है आज बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए रिएक्शन कर रहा हूँ आज के, और कोई काम नहीं है तो और कोई आइडिया आया नहीं, तो मैंने इसको बोला कि चल यार कुछ करते हैं, तो तू तो बनाता रहता रिएक्शन, मुझे भी बनाने दे, तो मुझे भी मतलब के सिखा कैसे बनाते हैं। तो ये आ गया, तो अभी एडिटिंग ये ख़त्म होने के बाद मैं एडिटिंग करूँगा, ये फिर आपके पास पहुँच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी लॉकडाउन में देखते हैं रिएक्शन वीडियो ही आएंगी, कोई ब्लॉग बाहर निकल के बना सका मैं इधर उधर करीब, तो ठीक है। असल में ब्लॉग मैं रेगुलर लाइफ पे भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ है मेरा मामला, तो ब्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं ब्लॉग रेगुलर लाइफ के ऊपर, मतलब कि दिन में जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं, तो आप अगर चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, अगर आप कहें तो। नहीं तो कंटेंट बेसिस मैं चाह रहा हूँ ब्लॉग, मेरी थॉट जो है ना वो है कि कंटेंट हो परफेक्ट, मतलब कि कहीं पे घूमने जाना हो या कुछ स्पेशल हो रहा हो तब मैं उसको शूट करूँ, और वो मैं अपने लिए भी सेफ रखूँ और आप लोगों से भी शेयर करूँ। रोज़ाना लाइफ तो सबकी तकरीबन एक जैसी होती है, कुछ इतना ख़ास नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखो और घर में रहो, कोरोना दोबारा से शिद्दत इख्तियार कर गया।